ओ बी एस सी प्रोफेक्शन लिमिटेड ये भी एक एस एम ई आई पी ओ है I mean, look at this company. ये कंपनी टू थाउजेंड सेवनटीन में बनी डेली में इनका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु में इनकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर इंडिया में भी बेचती है इन इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है एन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज लाइक जर्मनी इटली एंड यू एस एंड अगर हम इस कंपनी की आ, टोटल रेवेन्यू बाईफर केस हम देखें तो अप्रोक्सिमेटली सेवेंटीन परसेंट रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है एंड उसके अलावा जो रिमेनिंग रेवेन्यू है वो इस कंपनी के डोमेस्टिक सेल के थ्रू आती है एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी मेटल के प्रोसीजन कंपोनेंट्स बनाती है लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है आई I मीन mean, आज की डेट में अगर हम इस कंपनी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो वो सिर्फ ट्वेंटी फोर है अब सी ये कंपनी मेटल के प्रोसीजन कंपोनेंट्स बनाती है दैट मीन ये कंपनी बी टू बी सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है मतलब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं दूसरे सेक्टर की कंपनियां इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज एन कंपोनेंट यूज करती होंगी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एंड ऐसा ही है आई I मीन mean, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती है एंड वो कंपनियां से ऑटोमोटिव से से सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो कंपनियां डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो कंपनियां मरीन सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती हैं एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट यूसेज को इंडस्ट्री वाइज बाइफरकेट करें तो अप्रोक्सीमेटली नाइनटी थ्री परसेंट रेवेन्यू वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से आती है आई I मीन mean, उन प्रोडक्ट से आती है जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में यूज होते हैं 0.25 परसेंट रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट में आती है जीरो मान के चलो 6.71 परसेंट रेवेन्यू वो मरीन सेगमेंट से आती है एंड पॉइंट परसेंट रेवेन्यू वो इस कंपनी की टेलीकॉम सेगमेंट से आती है तो यहां पर हम मानेंगे दैट इस कंपनी का ऑलमोस्ट सारा का सारा एक्सपोजर वो ऑटोमोटिव सेगमेंट में है एंड बाकी जगह ये कंपनी धीरे धीरे अपनी कवरेज बढ़ाती जा रही है अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट अप्रोक्सिमेटी 17 परसेंट रेवेन्यू एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है तो उसके अलावा कितनी रेवेन्यू बची एटी थ्री परसेंट रेवेन्यू वो डोमेस्टिक सेल के थ्रू आती है एंड वहां पर भी अगर हम देखें तो 76 सिक्स परसेंट रेवेन्यू वो इस कंपनी की महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु स्टेट से आती है आई I मीन mean, ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये हैवी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं एंड यहां से इसका एंड दैट इज द रीजन यहाँ से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है बट जो ये इस कंपनी का रॉ मटेरियल मटेरियलेशन है थोड़ा सा कंसर्निंग है आई I मीन mean, से से ज्यादा रॉ मटेरियल ये कंपनी सिर्फ टॉप वेंडर परचेस करती है एंड उसमें से एक वेंडर है ओमेगा ब्राइट स्टील के नाम से वहां से ये कंपनी मोर देन थर्टी फाइव परसेंट रॉ मटेरियल परचेस करती है तो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा रिस्क होता है रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज अगर ये पांचों सप्लायर एक साथ मिलकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर दी तो फिर इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आपको टू हंड्रेड करोड़ रुपीज की वैलुएशन दी है आई I मीन mean, इस वैल्युएशन पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है सो so, हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं शुरू करते हैं एसेट बेस से मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 48 करोड़ रुपीज का अगले साल ये बढ़कर 69 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया है मार्च 2024 में ये बढ़कर 86 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया है एन अगस्त 2024 में तो ये 110 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया है रेवेन्यू देखते हैं मार्च टू में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी फिफ्टी करोड़ रुपीज की अगले साल ये 97 करोड़ रुपीज तक पहुंच गई है मार्च 2024 में ये 116 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गई है इन अगस्त तक इस कंपनी ने 57 करोड़ रुपए की रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर ली है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये प्रॉफिटेबल कंपनी है मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3.6 करोड़ रुपए का अगले साल ये 4.58 करोड़ रुपए का हो गया है मार्च 2024 में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है एंड ये 12 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है इस साल अगस्त तक इस कंपनी ने मोर देन सिक्स करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया है इन ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सिमेटली फिफ्टी करोड़ रुपीज की बोरोइंग है तो ये अब इस कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक कंफर्टेबल पोजिशन है एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 6.38 करोड़ रुपीज का अगले साल डाउनफॉल आया है एंड ये 1.45 करोड़ रूपीज पर आ गया है मार्च 2024 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ये 5.21 करोड़ का हो गया है एंड इस साल अगस्त तक इस कंपनी ने 2.6 करोड़ रुपीज का कैश जनरेट किया है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ रही है बट उस हिसाब से ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश रियलाइज नहीं कर पा रही है एंड ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कहीं ऐसा तो नहीं है आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए यह कंपनी अपनी सेल्स को जान बुझ कर बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो ये कंपनी 18.05 एटीन पॉइंट जीरो है टेन पॉइंट सिक्स टू परसेंट के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है 40.61 परसेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड की थर्टीं परसेंट की एम्प्लॉयड है तो जो इस कंपनी के मार्जिन वो इस हिसाब से काफी जबरदस्त मार्जिन है एंड एस एम ई सेगमेंट में ये एक मोर देन कंफर्टेबल मार्जिन है अगर कोई कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करती है तो एंड इस आईपीओ के बाद ये और इंप्रूव होने वाले हैं एंड जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है यह है सिक्सटी सिक्स पॉइंट जीरो टू करोड़ रुपीज का पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है नाइन्टी फाइव रुपीज रुपीज का प्राइस बैंड है ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स का लॉट साइज है इस हिसाब से होगी ये होगी वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड ट्वेंटी नाइन्थ अक्टोबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी तो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अभी जो रिसेंट में और एस कंपनीज के आईपीओ ओपन हो रहे हैं ये कंपनी उन कंपनीज के हिसाब से थोड़ी सी बेटर पोजीशन पर है रेवेन्यू बढ़ रही है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है अच्छे मार्जिन अच्छे सेक्टर से बिलोंग कर रही है एंड मैं आपको बता दूं दैट इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की पोजीशन और बेटर होगी बिकॉज जो ये आईपीओ प्रोसीड है कंपनी यूज करेगी अपनी दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को और इंप्रूव करने के लिए कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है हमें उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा जो की ऑलरेडी एक एक्सेप्टेबल पोजीशन में जो ऑलरेडी है इस कंपनी के फाइनेंशियस एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक रीजनेबल लेवल पर ऑपरेट कर रही है ऐसा नहीं है इंडस्ट्री बेस्ट कंपनी है या फिर इंडस्ट्री में बहुत बेकार कंपनी है या फिर बेकार साइड में ये कंपनी है ऐसा नहीं है तो बेसिकली जो ये कंपनी है ये एक किस्म से ठीक ठाक कंपनी है अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट करो सब्जेक्ट टू आपका रिस्क अपटाइट एंड और अदर फैक्टर्स जो मे बी आप और कहीं ना कहीं से डिस्कवर कर लो अगेन यहां पर मैं इस कंपनी के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा बिकॉज अभी जो मार्केट है वो एक किस्म से डाउनवर्ड मूवमेंट में है एंड वहां पर कंपनी कितनी भी अच्छी हो अगर मार्केट ज्यादा नेगेटिव है तो फिर उस कंपनी के आईपीओ परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है सो so, अपना डिसीजन थोड़ा सा लें केयरफुलेंड इन्वेस्टमेंट इन एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू